और चलिए इसी बीच खबर जबलपुर से आ रही है, जहां विस्थापितों का कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन शुरू हो गया है। मूलभूत सुविधाएं ना मिलने का लगाया आरोप, मदन महल पहाड़ी से विस्थापित हुए हैं ये लोग। मकान, सड़क, शिक्षा समेत 7 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जबलपुर से खबर, विस्थापितों का कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन, मूलभूत सुविधाएं ना मिलने का आरोप लगाया है विस्थापितों ने। मदन महल पहाड़ी से इन्हें विस्थापित किया गया था, जिसके बाद इन्हें अब जो सुविधाएं हैं वो नहीं दी जा रही हैं। संवाददाता मनीष तिवारी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, यहाँ विस्थापितों को सुविधाएं नहीं मिली, मदन महल पहाड़ी से इन्हें विस्थापित किया गया था, अब सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ कार्रवाई अधिकारियों की तरफ से की जा रही है, किस तरह की टिप्पणी उनके द्वारा मिल रही है आपको? जी, मैं आपको बता दूं कि अधिकारियों का कहना है कि जो भी समस्याएं जल्द से जल्द दूर की जाएंगी, उनको आश्वासन दिया गया है अधिकारियों के द्वारा। लेकिन वहाँ पे अगर विस्थापितों की कॉलोनी की बात की जाए तो वहाँ पे सुविधाओं का बहुत ज्यादा अभाव है। सालों बीत जाने के बाद भी आज भी उनको मूलभूत समस्याएं जो उनकी वो जटिल बनी हुई है, प्रशासन द्वारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी मनीष, अब चूंकि विस्थापित करने से पहले उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, और जब विस्थापित किया गया होगा उससे पहले उनके रहने की व्यवस्था की गई होगी, तो वहाँ क्या सड़क के अलावा भी जो पानी निकासी है, इन सब की व्यवस्था थी या नहीं थी, यानी ऐसे ही शिफ्ट कर दिया गया था? मनीष, देखिए, इनको आनंद फानन में, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आनंद फानन में इनको वहाँ विस्थापित किया गया था। इनको जो है त्रिपाल के तंबू बना के वहाँ पर इनको बसाया गया था जब यहाँ से विस्थापित किया गया था। ना नाली, ना रोड, ना बिजली, ना पानी, कोई भी वहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की गई थी। आनंद फानन वहाँ इनको बता दिया गया था, और आज भी ये जो विस्थापित है सुविधाओं के लिए, चाहे पानी हो, बिजली हो, सभी चीजों के लिए तरस रहे हैं। जी अब जाहिर है, अब इनका प्रदर्शन जब शुरू हो गया है तो शायद अधिकारियों को ध्यान में आया होगा कि विस्थापित तंबू में किया है, अब हो सकता है कि किसी तरह से उन्हें सुविधाएं मिले। मनीष, देखिएगा आगे क्या अपडेट मिलता है, खबर पर बताइएगा। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए।